हेलो नमस्कार किसान भाइयों, मेरे प्यारे किसान वीरों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने हरियाणा मौसम समाचार के इस वीडियो में। जी हाँ, आप जानेंगे अपने शहर, अपने गांव, अपने कस्बे की मौसम की ताज़ा रिपोर्ट। अगर आप हरियाणा के किसी भी ज़िले से इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो पर एक प्यारा सा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अगर आप हरियाणा ज़िले की मौसम की ताज़ा अपडेट पाना चाहते हैं तो प्लीज़ TR न्यूज़ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिले। जी हाँ, बता दें आज मौसम में अधिकतम पारा 41 डिग्री, लू के साथ धूल भरी आंधी चलने के आसार बन रहे हैं। पश्चिमी विक्षोभ का असर कम होने और राजस्थान पर बने एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण फिर से गर्मी ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। इस दौरान लू के साथ धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। 19 अप्रैल तक दिन का तापमान सामान्य से अधिक हो सकता है। बता दें कि भारतीय ज्योतिष शास्त्रानुसार ग्रहों का उदादस्त, राशि परिवर्तन तथा अन्य नए नक्षत्रों का योग संयोग से मौसम एवं देश की धरती पर कूल प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। भारतीय ज्योतिष की माने तो बैसाख महीने से ही थोड़े थोड़े अंतराल के बाद बरसात होगी, या यूं कहें मानसून पूर्व ही वर्षा काल के लक्षण उत्पन्न हो जाएंगे। यह कहना है कि ज्योतिर्विद पंडित कृष्ण कुमार शर्मा ने बताया है। उन्होंने बताया कि इस बार 17 अप्रैल से शुरू हो रहे वैशाख माह में वारों का विचित्र संयोग बन रहा है। इस बार वैशाख में 5 रविवार व 5 सोमवार हैं। अंग्रेजी व देसी माह में ऐसा संयोग कभी कभार आता है। आगामी दिनों में तापमान और बढ़ने के आसार हैं। रविवार को अधिकतम तापमान 12.41 और न्यूनतम 12.23 डिग्री दर्ज किया गया था। जाने आगे कैसा रहेगा मौसम। हरियाणा कृषि मौसम विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर मदन खीचन के अनुसार हरियाणा राज्य में मौसम आमतौर पर 19 अप्रैल तक गर्म और खुश्क रहने की संभावना है। इस दौरान दिन का तापमान सामान्य से अधिक रहने परंतु रात्रि तापमान सामान्य के आसपास व हल्की बढ़ोतरी होने की संभावना है। इस दौरान राज्य के दक्षिण व पश्चिमी क्षेत्रों में कहीं कहीं धूल भरी हवाएं चलने की भी संभावनाएं बन रही हैं। जी हाँ, ये थी हरियाणा जुड़ी मौसम की ताज़ा अपडेट। मिलते हैं आप सभी को अगले वीडियो में। तब तक TR न्यूज़ के साथ बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिले। जी हाँ, जय हिंद, जय भारत।